राजस्थान शिक्षक संघ सिखावत शाखा बाड़मेर की बैठक का आयोजन रविवार को भगवान महावीर पार्क में किया गया। बैठक में पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवीन कार्यकारिणी में भगवाना राम जाखड़ को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में संघ से जुड़े शिक्षक उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ सेखावत जिला शाखा बाड़मेर का वार्षिक अधिवेशन रविवार को भगवान महावीर पार्क में जिला अध्यक्ष भगवाना राम जाखड़ की अध्यक्षता एवं जिला मंत्री विनोद पुनिया के आतिथ्य में आयोजित हुआ। अधिवेशन के प्रथम सत्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं पर चिंतन मनन किया गया। वहीं अधिवेशन के द्वितीय सत्र पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवीन कार्यकारिणी में भगवाना राम जाखड़ को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके साथ ही मोहिनी विश्नोई को संरक्षक, मंगना राम सिहाग को सभाध्यक्ष, विनोद पुनिया को जिला मंत्री, महिपाल सिंह तंवर को उप सभाध्यक्ष, भूमा राम गोयल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जेठाराम सिंधरी, मनीष सिंह दड़ शिव, चंद्र सिंह पोटलिया, हरेंद्र यादव व मुकेश बैनीवाल को उपाध्यक्ष, पूनम कुमारी को महिला मंत्री, मालाराम बैरट को कोषाध्यक्ष, मनोहर सिहाग को संघर्ष समिति संयोजक, नंदराम मुंड को संयुक्त मंत्री, विजय पाल को संगठन मंत्री, सवाई सिंह नरावत को प्रचार मंत्री, जयपाल सिंह करुण को मुख्य प्रवक्ता, दिनेश सैनी व भवानी शंकर गोदारा को प्रवक्ता बनाया गया। कार्यकारिणी को डिजॉल्व कर दिया, नई कार्यकारिणी गठित की और पुनः सभी शिक्षक साथियों ने मुझे जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और हमारा नए सत्र से नए कार्यकारिणी का नया कार्य शुरू होगा। NPS जो हमारे मांग पत्र की मुख्य मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हमने नई रूपरेखा तैयार की है। प्रांतीय स्तर से जुलाई में जिला स्तर के और ब्लॉक स्तर के धरने दिए जाएंगे और जिस सरकार ने सत्ता में आने से पहले हमसे वादे किए थे, हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे और पूरी 30 सूत्री मांग पत्र पर विचार करेंगे। अब समय आ गया है, इसलिए हम आंदोलन की राह पर जुलाई से तहसील स्तर से धरना देंगे, फिर जिला स्तर का देंगे और जयपुर में बहुत बड़ी विधानसभा का घेराव करके रैली करेंगे। और शिक्षक संघ सेखावट के वार्षिक अधिवेशन में शिक्षकों ने विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। इसमें पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने और NPS को हटाने का मुद्दा प्रमुख रहा। इसके साथ ही नए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का स्वागत भी किया गया। अधिवेशन में शिक्षक संघ सेखावट से जुड़े सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे।